तुम्हारी अम्मी ने भी तुम्हारी मासूमियत का एतबार नहीं किया। देखो मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मुमानी हूं। दूर का ही सही रिश्ता तो है, जो कहा है वो कर लो, अच्छी रहोगी। रहना तो अब इसी घर में है तुम्हें। घर में रहकर क्या करोगे? दम घुट जाएगा तुम्हारा। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि बाहर निकलने की इजाजत दे रहे हैं हम तुम्हें। घर से निकलो, कमाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। आज का दिन है तुम्हारे पास, ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। क्या है ये सब? अभी तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा कुछ किया है। जरूरी था बाप। और जो धमकी तुमने दी वो भी क्या जरूरी थी? जी अनबिलीवेबल। वो कुछ भी कर सकते हैं और मैं उन्हें समझा भी नहीं सकता। उन्हें किसने हक दिया हमारी पर्सनल लाइफ को इस तरह हाईलाइट करें, हमारी इज्जत को दांव पर लगाएं? और जो तुमने किया उससे तो हमारी इज्जत में बहुत इजाफा हो गया होगा ना बाबा। मैं बस इतना चाहता था कि वो आइंदा ऐसा ना करें। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इतना कुछ नहीं किया, वो एग्जैजरेट कर रहे हैं। आई नो कि तुमने इतना नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हारे इतना करने से ही उन्हें एक नई खबर मिल गई और जिन लोगों को नहीं पता था उन्हें भी पता लग गया। तो क्या करता बाबा, खामोश होकर बैठ जाता? एक तो हमारे साथ इतना कुछ हो गया और ऊपर से मीडिया वाले, आपको पता है आजकल तो जो खामोश होता है लोग समझते हैं वो ही गलत। मैं जानता हूं बेटा तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है। बहुत प्यार करते हूं निमरा से, करता था। तो जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो और नए सिरे से अपनी जिंदगी स्टार्ट करो। भूलूंगा तो कभी नहीं। जिसने हमारी इज्जत पर दाग लगाया है ना, उसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा।